Welcome back to the channel. Good morning everyone, and wishing all of you happy Republic Day, and wishing all of you again happy New Year. देखिए आज Republic Day है और स्कूल जाने की तैयारी चल रही है. आज मैं व्हाइट पहनने वाला हूँ, ब्लैक पैंट, और उससे खास चीज है मेरे पास जो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ. ये है मेरा ब्लेजर और ये मैंने बैच लिया है. ये सिर्फ बैच नहीं है बल्कि देश की धड़कन है, हमारे भारत का नेशनल फ्लैग, हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग. और मैं आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाता हूँ. बहुत अच्छे बूट लिए हैं मैंने, राइडिंग बूट्स, और शूज भी लिए हैं. ये मेरे राइडिंग बूट्स है, देखिए आप लोग. ये राइडिंग का जूता होता है जो काफी मजबूत होता है. अगर आज शॉर्ट राइड पॉसिबल हुई, मौसम अगर अच्छा रहा, तो मैं शॉर्ट राइड करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा शॉर्ट राइड भी. तो इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी तक इसे मैंने यूज नहीं किया था. ये मेरे राइडिंग बूट्स अनबॉक्स हो गए आपके लिए. मैंने अभी तक यूज नहीं किया था, मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए अभी तक रखा था उसे. इसके अलावा मैंने लिए हैं ये डांस शूज या इनफॉर्मल शूज, कैजुअल शूज. इसे कुछ खास दिखाने की जरूरत नहीं है. राइडिंग वाले बूट स्पेशल है, ये तो आप लोग भी पहनते हो. राइडिंग बूट का क्या इंपॉर्टेंस है मैं और कभी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. इसके अलावा मैंने और परचेस किया है काफी स्पेशल चीज, ये है कॉलर माइक. इसे मैं रैप को खोल के बाद में आपको माइक दिखा दूंगा. ये फ्लिपकार्ट से मंगाया मैंने, जो मेरी साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी इससे. ठीक है, थैंक यू. चलिए स्कूल चलते हैं अब. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. मैंने आपको बताया था ना कि मैं इस माइक की अनबॉक्सिंग करूंगा, तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस माइक को जो मैंने फ्लिपकार्ट से बुलाया है. मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो परचेस कर सकते हो. ये कॉलर माइक होता है जो मोबाइल को या DSLR को आप लगा सकते हो, इससे साउंड क्वालिटी एनहेंस हो जाती है. ये देखिए पैकिंग अच्छी दिए है, इसमें बिल भी है बैक साइड में. लगभग 200 का ही आ जाएगा, 40 rupees इन्होंने डिलीवरी चार्जेस लिए. 160 का माइक है, ज़्यादा बहुत सस्ता है. तो देख लिया आप लोगों ने, कुछ ऐसा ही माइक है, लगभग 1.5 meter का. ये आपको कॉलर में अटैच करना होता है और ये मोबाइल में अटैच करना होता है या आपके DSLR कैमरा में, जिससे साउंड क्वालिटी अच्छी आती है. इसलिए कई लोग बोलते हैं आपका ऑडियो अच्छा आता है, तो उसका रीज़न ये है. चलिए अब आपको शॉर्ट राइड दिखा देता हूँ. बहुत दिन हो गए मैंने आपको शॉर्ट राइड नहीं दिखाई. इवनिंग का टाइम है, पता नहीं वीडियो कैसा आएगा. हो सकता है ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी ना है क्योंकि सूरज ढलने को है, बट फिर भी आज मैं देर हो गई मुझे प्रोग्राम में. हमारे स्कूल में प्रोग्राम थे, आप लोगों को पता ही है. मैंने फेसबुक पर अपडेट दी है और व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट दी है. आप लोगों को लाइव वीडियो शेयर किया मैंने, आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोगों ने अप्रिशिएट भी किया होगा. कुछ डांस प्रोग्राम हुआ है हमारे स्कूल में और स्पीचेस हुए हैं बच्चों के. देखिए मैं अपना डांस का वीडियो तो इसमें बच्चों का नहीं दिखा सकता अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि उससे दिक्कत कॉपीराइट की आ जाएगी और इसीलिए कॉपीराइट का प्रॉब्लम आने की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है. इसलिए मैं वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा. आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं. लेकिन मैं कुछ पिक्स दिखाने की कोशिश करूँगा अपने वीडियो में और अनबॉक्सिंग दिखाई आपको माइक की. इसके अलावा राइडिंग बूट्स भी है, वो भी मुझे टेस्ट करने थे आज, इसलिए मैं शॉर्ट राइड पर आ गया. और खमरिया बाईपास बहुत ही प्यारा बन गया है. अब देखिए आप लोग पूरा पेंट वगैरह कर दिए हैं और बहुत अच्छा लगता है. इसके अलावा सिवनी का जो रोड है, वो भी जो मेरा पुराना वीडियो था खिड़की घाट का, उसे मैं दोबारा शूट करूंगा क्योंकि उस समय इतना प्यारा नहीं था. रोड को बहुत डेकोरेट किया है और बुनकट्टा रोड भी बहुत डेकोरेट हुई है. तो आइए चलते हैं शॉर्ट राइड पर. बाकी बातें आपसे बाद में करूँगा. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on and on.
fueled by thumb to see the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by thumb to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on आपको तो पता ही है कि अभी उरी एक फिल्म रिलीज हुई है, उरी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए। उरी फिल्म बेस्ड है सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सितंबर में पीओके में। पीओके पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है, उसका फुल फॉर्म है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जहाँ पर टेररिस्ट कैंप है। तो इंडियन आर्मी ने उरी अटैक का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी और लगभग 50 से ज़्यादा आतंकियों को एक ही जगह पर मारा था जहाँ पर उनका लॉन्चिंग पैड होता है। उनको पूरा सपोर्ट है पाकिस्तान का, हम लोग सब जानते हैं। इसके अलावा 2005 में भी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और वो हुई थी म्यांमार के जंगलों में, जो हमारा जो इंडिया है, इंडिया की बॉर्डर और म्यांमार की बॉर्डर पर जो जंगली हिस्सा है वहाँ पर माओवादी छुपे थे। तो उन लोगों ने वो भी इंडियन आर्मी ने जानबूझकर नहीं की थी, बल्कि माओवादियों ने आर्मी के जो दो ट्रक जा रहे थे जंगल से उनके ऊपर अटैक किया था रॉकेट लॉन्चर से, और इसीलिए बदला लेने के लिए वो किया गया था। अदरवाइज़ इंडियन आर्मी कभी भी खुद होकर अटैक नहीं करती, ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है। हमारा इतिहास देख लीजिए आप लोग, भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया खुद होकर, जब तक कोई उसे परेशान किया आगे खुद होकर, और ये हमारे देश की खासियत है, ये हमारे देश का गर्व है। लेकिन अगर कोई हमें छेड़ी जाता है या छेड़ता है या हमें परेशान करता है तो हम लोग फिर बहुत खूंखार है, पूरी दुनिया जानती है। और सर्जिकल स्ट्राइक से पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम कितने, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी कितनी पावरफुल है, या फिर हमारा डिफेंस सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और वाकई में वो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि अनजान इलाके में जंगली रास्ते से आपको जाना है, वहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते, बस बॉर्डर के आसपास उतार दिए थे, घसीट कर खुद के बदन को घसीट कर उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचे थे वो लोग, और बहुत मुश्किलों का सामना किए थे। तो इतना आसान नहीं होता है ये सब। हाँ, अभी सनसेट होने को आया, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा है इस समय। मैं खमरिया बाईपास पर हूँ, ये खमरिया है कटंगी का सबसे डेंजरस जोन एक्सीडेंट्स के लिए। मैं बहुत जल्दी एक्सीडेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं यहाँ पर। इसकी खमरिया बाईपास जितना खूबसूरत है उतना ही ये बदसूरत भी है, ये खूनी बाईपास कहलाया जाता है, ठीक है। हालांकि DSLR लवर्स यहाँ आते हैं और DSLR पिक्स तो आप देखती हो फेसबुक पर उन लोगों की, इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाऊंगा। ये बाईपास में आखिर इतने हादसे क्यों हुए हैं, मैं रिसर्च थोड़ा बहुत इस पर जानकारी जुटा रहा हूँ, और वो जैसे ही मेरी कंप्लीट होती है मैं कॉपी वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा इस बाईपास के ऊपर कि आखिर यहाँ पर एक्सीडेंट क्यों हुए हैं। किसी भी शहर का बाईपास तो सुविधा के लिए होता है, ट्रैफिक जाम को ख़त्म करने के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ देखो इस बाईपास ने बहुत सारी मुसीबतें लाई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ आपको, जैसा कि हमेशा मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं। और पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, वो जो साइकिल राइड वाला था, तो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा मैं साइकिल राइडिंग करूँ। बच्चों को बहुत अच्छा लगा साइकिल राइडिंग वाला वीडियो, क्योंकि हमें इको फ्रेंडली भी होना है कभी, इसलिए मैंने अपनी साइकिल भी राइडिंग शुरू कर दी है। कभी कभी मैं बाइक को अवॉइड करता हूँ। इसके अलावा आपको ख़ास बात ये बतानी है कि इसके बाद मैं शॉर्ट राइड करूँगा बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग, क्योंकि ऑफ रोडिंग मेरे को बहुत पसंद है, और इसलिए मैंने राइडिंग बूट्स भी खरीदे हैं जो मैंने आपको दिखाए। ऑफ रोडिंग में क्या होता है कि पथरीले रास्तों में आपको पैर टिकाना पड़ता है बार बार, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, तो उस समय राइडिंग बूट्स बहुत काम आते हैं। वो आर्मी के बूट्स जैसे ही है, आप उससे ट्रैकिंग भी कर सकते हो, पहाड़ पे चढ़ सकते हो। मैं लकी हूँ कि कटंगी में वो मिल गए, एक्चुअली मिलते नहीं ऐसे बूट्स आजकल हर जगह पर। तो चलिए, आप आज के लिए इतना काफ़ी है।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नीचे लाल बटन दिख रही है, और बेल आइकन आएगी उसके बाद उसे प्रेस कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी बताना मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में, और लाइक ज़रूर करना, और हाँ कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। रिपब्लिक डे बहुत इन्जॉय किया, आप लोगों को वीडियो देखना है डांस के तो आप लोग फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, पिक्स भी देख सकते हैं। गुड बाय। Till I get up, time is barely on our side.